एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज जो हमने 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है नवंबर तक, प्लीज उसे अचीव करवा दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, क्या हालचाल, आई होप सब बढ़िया हो। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और नई सुबह के साथ नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आप चल करके करते हैं नाश्ता, मतलब आज मेरे सारे काम लेट हो गए यार, नहाना मेरा लेट हुआ, अभी करीबन 9:30 बज गए और मैं अब नहाया हूँ, और डेली मैं ऑलमोस्ट 7 या 8 बजे तक नहा लेता हूँ, लेकिन आज मेरी पूजा भी लेट हो गई, सारे काम लेट हो गए आज मेरे, बिकॉज ऑफ वीडियो के चक्कर में सारे काम लेट हो गए यार। चलो खैर कोई बात नहीं, वीडियो आ चुकी है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के देखो, और उसमें मन की बात है। शुरू में आपको व्लॉग देखने मिलेगा, लेकिन बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमारे पालतू जानवरों से रिलेटेड मैंने कुछ बातें की हैं उसमें। ये देखो पक्षी कितना सुंदर बोल रहे हैं, तोते हैं, आप उसको देखना और वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना कुल मिला के, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, देखते हैं आज क्या बनाए, दिखाता हूँ आपको। तो जी खाने में आज कुछ ये सौदा है, ये है छाछ, भुजी, रोटी, और ये थोड़े से रात के चावल थे, तो मुझे थोड़े ये चावल ना थोड़े ज़्यादा पसंद है रात के खाने, तो ये फ्राई कर लिए थे, तो अभी इसे खा लेते हैं एंड फिर मिलते हैं। ये देख रहे हो भाई मैं कितना खाता हूँ। तो गाइज मैं आया हूँ अभी अपने घर पर, मतलब नए वाले घर पर, क्योंकि मैंने उसे फ़ोन किया था ना डॉक्टर को, जो पैरावेट है हमारा, तो वो आने वाला अभी थोड़ी देर में, तो वैसे लड्डू को देखेगा, क्योंकि भाई ये खाना नहीं खा रही है वाकई में सही से, और गोबर भी बहुत ज़्यादा पतला कर रही है, अजीब सी शक्ल हो रही है इसकी, उतरी उतरी सी। क्या हो गया बाबू, हैं, बुखार भी नहीं है इसे, लेकिन कोई तो दिक्कत है, या तो पेट ख़राब हुआ है या ठंड लगी है, जो भी दिक्कत है, और थोड़ी चिड़चिड़ी सी भी हो रही है, तो वो देख करके बताएगा जो भी प्रॉब्लम होगी। देखो सारी कुट्टियाँ से रखी है, ये खा नहीं रही है, और जब ये नहीं खाती है तो फिर मुझे घबराहट होने लगती है, तो इसलिए मैंने उसे बुलाया, और वो थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा, किसी का पशु बीमार है तो वहाँ पर है भी वो, उसे देख रहा तो आ जाएगा, मैं यहीं बैठ कर वेट करूँगा उसका। बहुत ज़्यादा अनमनी सी हो रही है यार, मतलब ना ऐसे बिल्कुल ना पहले जैसा रिस्पॉन्स कर रही है, कि उसका फ़ोन आ गया तो वो जस्ट आने वाला, मैं मिलवाता हूँ उससे भी, और सारी चीज़ें बताएगा, वही बताएगा, मैं तो खैर क्या ही बताऊँगा, वही बताएगा क्या दिक्कत है, क्या नहीं, बुखार होगा या जैसे भी होगा, सारी चीज़ें बताएंगे। लो जी डॉक्टर साहब आ गए हमारे, आओ डॉक्टर साहब, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा, आओ। क्या असिस्टेंट भी रख लिया क्या? क्या हाल चाल भाई, यार ही तो असिस्टेंट होते हैं यार, यार भी होते हैं यार, असिस्टेंट भी होते हैं, ये साले हर जगह काम आते हैं, कोई काम आए ना आए, लेकिन ये जरूर काम आते हैं। गप्पन के खाली, ये खाली है, पटक गई किसी की, और तो गोबर देख रहा, ये कल कर आया, कल तो शुरू कर आया तू, मतलब पतला पतला जो गोबर कल तो शुरू कर आया, परसों ने सेव खवाते सी यार, वाह सेव, हाँ अच्छा करवा जाओ, इसका भी मनवा दिया ना ना यार, पापा बाजार से ले आए थे, किलो दो किलो सेव खवाते थे। इसका इंजेक्शन लगवा दिया बड़ी मेहनत के साथ, इसका इसने जो है इंजेक्शन लगवाया, बस 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 है, इसे मतलब क्या करना है इसका, अबे हाँ यार, अरे यार इसे कहीं से लंपी हो गया, शिट भाई, और इसी वजह से थोड़ा सा इधर हो गया, रुक जा यार, हमारी लड्डू को लंपी हो गया यार साला, अब मेरा ना दिमाग काम करना बंद कर रहा, मतलब अब उसकी दवाई वगैरह, उसके इंजेक्शन लगवाए अभी 3 और दवाई वगैरह दी है इसने, तो अभी मेडिकल पर से दवाई भी लेके आनी है, और नीम का और फिटकरी का पानी, मतलब नीम के पत्ते उबाल के और फिटकरी उबाल के उसमें उसका स्प्रे करना है। मैंने सारे पशु देखे ना अब तक का जो फीडबैक है लंपी का, मैंने जितने भी पशु इन्फेक्टेड देखे ना भाई, वो सारे उनकी सबकी डेथ हो गई है मेरे सामने, तो सबकी डेथ हो गई है। जो बंदा आया था ना इसको देखने, इसकी भी गाय लंपी की चपेट में आई थी, करीबन 14-15 हज़ार रुपये उसके ऊपर लगे, लेकिन अब भी ऐसा ही है कि बचेगी या ना बचेगी यही चांसेस हैं अभी उसके, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बस ये ना अभी से भूख बढ़ाने की दवाई दे रहे हैं, और इसका जो पतला गोबर कर रही है ना उससे, और कीड़ों की दवाई दी है, तो थोड़ा सा ये रहेगा कि ये चारा बिल्कुल खाती रहेगी, अगर चारा खाएगी ना तो इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होगी इसकी, और विटामिन एच वगैरह इसके साथ देंगे तो ये ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके, तो बस ठीक हो जाए, बाकी तो मुझे क्या चाहिए यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरा बहुत प्यार है सही में इससे, मेरी ख्याल मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, मैंने कहा यार इसे लंपी हो गया, जब इसने बोला ना कि उसे लंपी के चांस है भाई, मेरी हवाइयाँ उड़ गई थी, मैंने कहा यार ऐसा ना हो, बस ये ठीक हो जाए। गाइस मैं जा रहा हूँ अभी लड्डू को देखने, मतलब प्लॉट पर, क्योंकि उसे सुबह दवाई दी थी, और अब देखता हूँ उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, मम्मी वैसे वहीं पे हैं, क्योंकि डॉक्टर को उसके हाल चाल देने हैं कि वो ठीक है या नहीं है, तो अभी जा करके देखते हैं एक बार। हाँ हाल है बेटा,
क्या हाल है, है? क्या हाल है? अभी चिड़चिड़ी सी हो रही है यार। यार ठीक हो जा यार तू, सही में बड़े प्यार से पाल लिया सही में यार। इसको यहाँ पे बांध दिया वहाँ से खोल के, थोड़ा थोड़ा खा रही है मतलब, कुट्टी तो बिल्कुल नहीं खाई इसने सुबह से, जब से मैं गया हूँ मम्मी मना कर रही थी ना खाई इसने, पर यार मैंने बहुत प्यार से पा लिया यार, ये ठीक हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए बस, ठीक हो जाए फिलहाल तो बस, क्योंकि इसके ना मुझे थोड़े थोड़े वो भी दिख रहे हैं, उभार दिख रहे हैं, जो छाले पड़ते हैं ना लंपी में, तो वो उभार दिख रहे हैं मुझे इसके पेट पे यहाँ पे ना, ये छोटे छोटे से, और मैं उन उभारों पर अगर जैसे उन्हें टच कर रहा हूँ ना, तो ये ना इरीटेट हो रही है। सुबह इसके 3 इंजेक्शन लगे, मेरा दोपहर को खाना खाने का भी नहीं मन करा, मैं सुबह से ही ऐसा खाए हुए हूँ, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से पा लिया यार, बहुत प्यार से सच में, जो भी होगा ठीक होनी चाहिए यार। थोड़ा तो खाना स्टार्ट करा है इसने, अभी मैंने यहाँ घास मिला के बांध दिया ना, तो घास तो खा रही है, देखो एक बार, मेरा दिमाग सुबह से हैंग हुआ पड़ा, मैंने कहा यार कैसे होगी क्या होगा, सुबह इसके लिए दवाई लेके आया, इसे दवाई लगवाई मम्मी से, कि मैंने कहा मम्मी इसे आटे में देना दवाई, तो इसे आटे के गुल्ले में दवाई रखी थी तब इसने खाई, वरना अब पशु है भाई तो तंग तो करता ही है ना खाते हुए, या फिर इंजेक्शन लगवाते हुए, सुबह इसको बांध के डाला तब इसके इंजेक्शन लगवाए, और कुछ नहीं चाहिए भगवान से, भगवान बस ठीक कर दे इसे, क्योंकि मैंने सच में बहुत प्यार से पा लिया है। लड्डू, ओ लड्डू ले, बस खाना मत छोड़, खाना नहीं छोड़ेगी तो ठीक हो जाएगी जल्दी, ऐसे खाना मत छोड़ तू बस। ये इधर घास खा रही है और मैं यहीं बैठा हूँ, मेरा पता नहीं इसे तोड़ने का ही नहीं मन करता, पता नहीं मुझे बहुत प्यार है यार इससे, सच में बहुत प्यार है मुझे इससे। मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के बैठ गया था थोड़ी देर के लिए, इधर चारपाई पर बैठ गया था, तो ये ना तब से कुछ खा भी नहीं रही, खड़ी भी देख रही, और पता है इसके गोबर में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, इससे पता लगता है इसके पेट भी ठीक नहीं है और बुखार तो है ही है। क्या हो गया बाबू, खा क्यों नहीं रहा तू कुछ, है खा ले, खा ले कुछ, खा तो ले कुछ, हैं घास खा ले, ये देखो, ये देखो मना कर रही, ऐसे ये ना चिड़चिड़ी हो रही है एकदम अपने पास भी, एकदम से आने नहीं दे रही भाई, गोबर बहुत पतला कर रही है और बहुत बदबूदार गोबर, ऐसे बदबू नहीं आती है पशु गोबर में से, बट बहुत ज़्यादा बदबूदार, कोई बात नहीं तो ठीक हो जाएगा, दवाई से तेरा पीछा छुड़वाऊंगा ही नहीं मैं, अब मैं इसे ना डेली डेली इसका चेकअप कराऊंगा, बुलाऊंगा उसको, अभी आने वाला होगा वो थोड़ी बहुत देर में भाई, अभी शाम हो गई है, अरे चुप जाओ भाई क्यों चिल्ला रहे हो, चलें कह रही है हाँ चलो, क्या मेरे से सुबह से नाराज, मैंने इसके 3 इंजेक्शन लगवाए ना सुबह, मैंने इसे गिराया मतलब इसे ऐसे तो लगवाती नहीं, इसके हाथ पैर बांध के इसे गिराना पड़ा था, फिर सुबह से नाराज है मेरे से, लेकिन यार नाराज मत हो उसको ठीक हो जा। तो भाई चलो पानी तो पी रही है, शायद पानी पीने के बाद ये कुट्टी भी खा लेगी। मेरा हौसला बढ़ता है जब आप सब्सक्राइब करते हो ना और वीडियो को लाइक करके जाते हो और पूरी देखते हो, तो मेरा हौसला बढ़ता है और ये मुझे और इनकरेज करता है कि मैं डेली व्लॉग करूं और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए बना के लाऊं। ठीक है तो फिलहाल जो भी है जैसा भी है अभी इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, ठीक है, और ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करवाना, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अभी 20-21 फॉलोअर हैं, तो प्लीज़ आ जाओ यार, अभी नए नए क्रिएटर हैं हम, तो प्लीज़ आ जाओ। ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो कर लेना जरूर, थैंक यू सो मच।